हमीरपुर की हाई स्कूल खेल मैदान में दो दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 14 खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शुभारंभ डुग्गा स्कूल की हेडमास्टर सनम ने किया। प्रतियोगिता में 27 सरकारी स्कूलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले खिलाड़ी धर्मशाला में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेकर जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले दिन प्रतियोगिता में अव्वल रहे खिलाड़ियों को भी इनाम देकर पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का समापन डिप्टी डायरेक्टर करेंगे और विजेता टीमों को इनाम बांटेंगे। स्कूल हेडमास्टर सनम ने बताया कि जिला स्तरीय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में 27 स्कूलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लड़कियों की आज ओपनिंग है, ओपनिंग जो है वो हुई और यहाँ पे उनका खाने का रहने का, लड़कियों की संख्या है लगभग 260 के करीब और उनका खाने की व्यवस्था यहाँ पे हमने स्कूल में की है, रहने की। सभी जो उनके साथ टीचर्स आए हैं लेडीज़, वो लड़कियों के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। हमारा स्टाफ जो है वो पूरा अरेंजमेंट हमने किया है उनका रहने का और हर व्यवस्था स्कूल की तरफ से जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम उसको पूरी तरह से कर रहे हैं। 27 ये लड़कियों वाले इवेंट में जो लड़कियों का आज से शुरू हुआ इसमें टोटल स्कूल 27 है। वहीं एडीपीओ मस्तराम बडियाल ने कहा कि जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में दौड़, डिस्क थ्रो, खो खो, लंबी कूद के अलावा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस बार भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमीरपुर के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 17-18 को है, 16 को बेटियां आ गई थी, यहाँ लड़कियां आ गई थी। कल क्लोजिंग है और क्लोजिंग जो है वो हमारे उपनिदेशक उच्च शिक्षा जी कल उनके कार्यक्रमों से क्लोजिंग होगी। पूर्ण आशा है कि राज्य स्तर पर इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जिला स्तर पर भी काफी टफ कंपटीशन है। इसमें जैसे अब बच्चा जो आग से निकलता है, तप कर निकलता है, वो बच्चा आगे जाकर परफॉर्मेंस देता है। सबसे ज्यादा पिछले साल भी हमारे मैक्सिमम बच्चे जो थे वो राष्ट्रीय स्तरीय दौड़ कूद प्रतियोगिता में उन्होंने भाग